हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्लास स्टैंडर्ड फोर्थ। इन दिस प्रीवियस क्लास वी स्टडी हाफ चैप्टर ऑफ फाइव द एनिमल्स वर्ल्ड। नाउ वी स्टडी अबाउट हनी बीज। हनी बीज लिव इन हिव्स। फ्लावर प्रोड्यूस स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर। हनी बीज come to the flower to get their nectar. They have a long tube like tongue. When they sit on a flower, they insert their tongue into the flower and suck the nectar. तो हनी बीज कहाँ रहती हैं? हाइव्स में, यानी जो छत्ता होता है उसमें रहती हैं। मधुमक्खियाँ छत्ते में रहती हैं। और ये क्या है, जो फ्लावर का जो स्वीट लिक्विड होता है, यानी जो मीठा द्रव्य होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेक्टर यानी मधुरस बोलते हैं। तो उस दे हनी बीज क्या है, फ्लावर पर जाती हैं और उसका जो नेक्टर है उसे लेती हैं। इनके पास क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब यानी एक जीप टाइप में एक लंबी नली होती है। ये क्या है, जब फ्लावर पर बैठती हैं तो उसमें अपनी जो जीप है वो डालती हैं और फिर उसका जो फ्लावर का जो रस है उसको चूस लेती हैं। हनी बीज कंज्यूम पोलन ग्रेन्स अलोंग विद द नेक्टर। और इस रस के साथ साथ वो क्या है, जो पोलन यानी जो पराग का जो बीज होता है जिससे क्या है नेक्टर बनता है, उसको भी ले लेती हैं। वंस देयर स्टोमक इज फुल दे स्पिट आउट द नेक्टर इनटू द सेल ऑफ देयर हाइव। जब उनका पेट क्या है भर जाता है तो ये जो स्पिट, ये क्या करती हैं, जो भी बचा हुआ रस होता है, जैसे इनका पेट भरना फुल हो जाता है जब, तो ये क्या है एक्स्ट्रा जो रस होता है उसको आकर के अपने छत्ते के जो सेल्स होते हैं उसमें छोड़ देती हैं। द सेल्स आर सील्ड विद वैक्स प्रोड्यूस्ड बाय द हनी बीज बॉडी। और जो सेल होता है वो क्या है, वैक्स से बना हुआ होता है यानी मोम से, जो हनी बीज की बॉडी से निकलता है। आफ्टर अ फ्यू डेज दिस नेक्टर टर्न इनटू हनी। तो कुछ दिनों के बाद जो रस क्या है मधुमक्खियों ने छत्ते में छोड़ा होता है वो एक शहद के रूप में बन जाता है। ऑब्टेनिंग हनी व्हेन वी वांट टू गेट द हनी फ्रॉम द बी हीव्स हैंगिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए टॉल ट्री वी बर्न फायर अंडर द ट्री। वंस द बीज फ्लाई अवे वी कलेक्ट द हनी फ्रॉम द बी हीव। हनी is antiseptic and help us in the digestion of food. It is used in making medicine for cough and cold. तो अगर हमें क्या है हनी बीज का हनी चाहिए, अगर मतलब शहद हमें लेना है, तो क्या करना होगा, जो इस पेड़ पर उनका छत्ता लटक रहा होता है उसके नीचे क्या है आग जलाते हैं। फिर आग जलाने के बाद क्या होता है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो उड़ जाती हैं। उसके बाद हम उनके छत्ते में से शहद कलेक्ट कर सकते हैं। और मधुमक्खियों का जो शहद होता है यानी जो हनी होता है वो कैसा होता है, एंटीसेप्टिक यानी रोगाणुनाशक होता है। ये रोगों को नष्ट कर देता है और ये खाने को पचाने में भी हेल्प करता है। और इससे क्या है, जो खांसी जुकाम है उसकी मेडिसिन बनाने में भी इसे काम में लिया जाता है। ईयर्स ऑफ एनिमल्स। All animals have ears. They differ in shape and size. Animal like elephant, foxes and bats have big ears. These animals have external ears. They use their ears to hear and to fend themselves. सभी जानवरों के क्या है कान होते हैं, भले ही वो साइज में शेप में क्या हो अलग अलग होते हैं। जैसे कि एलिफेंट फॉक्स है और जो चमगादड़ है, इनके कैसे ईयर होते हैं, बिग ईयर, इनके बड़े बड़े कान होते हैं। तो इनको, इनके कानों को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल यानी बाहरी कान, यानी इनके कान जो है बाहर होते हैं। ये क्या है, अपने कानों से सुनते हैं और उनसे हवा कर सकते हैं। यानी जो एलिफेंट है आपने उसके कान देखे होंगे बड़े होते हैं, तो वो उन्हें हिलाकर क्या है अपने आप को हवा भी कर सकता है और उनसे सुनने का काम भी करता है। We cannot see the ear of some animals. These animals have internal ears. Birds have tiny hole on the both side of their head. They can hear sound which even humans cannot hear.
कुछ एनिमल्स के कान हम नहीं देख सकते हैं। इन ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? ऐसे एनिमल्स के जो कान होते हैं वो इंटरनल ईयर्स कहलाते हैं, यानी अंदरूनी कान। इन जैसे कि बर्ड्स जो होते हैं, यानी जो भी पक्षी होते हैं, उनके छोटे छोटे हेड के पास क्या है, दो छेद होते हैं, वो ही उनके ईयर्स होते हैं, जिनसे क्या है वो साउंड को सुन सकते हैं जो कि हम नहीं सुन सकते। यानी ये क्या है, कम ध्वनि को भी सुन पाते हैं, लेकिन जो ध्वनि हम नहीं सुन पाते, इनके छोटे छोटे कान होते हैं। स्नैक एंड लिज़ार्ड कैन फील वाइब्रेशंस थ्रू, दे डू नॉट हैव ईयर्स। जो स्नैक होता है और जो लिज़ार्ड है, यानी जो सांप और छिपकली होते हैं, वो क्या है, वाइब्रेशन फील कर सकते हैं, जबकि इनके कान नहीं होते हैं। फर एंड हेयर, ठीक है, फर यानी जो ऊपर खालसी होती है, बड़े बड़े बालों वाले हेयर होते हैं, और एक छोटे छोटे हेयर। सम एनिमल्स हैव हेयर कवरिंग ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, वाइल सम हैव वेरी लिटिल हेयर। ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी पूरी बॉडी का हर एक भाग क्या है, बालों से ढका हुआ होता है, जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके छोटे छोटे बाल होते हैं। एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन हैव थिक फर दैट कवर ऑल पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, द फर ट्रैप्स एयर एंड कीप्स द बॉडी वार्म। तो ऐसे एनिमल्स जो क्या है, ठंडी जगहों पर रहते हैं, उनकी क्या है, घने बाल होते हैं, जिससे क्या है, उनकी बॉडी का पूरा पार्ट ढका हुआ रहता है, और ये फर क्या है, हवा को अंदर बॉडी के अंदर आने से रोकती है, यानी बालों से टकरा कर क्या है, हवा वापस जाती है और बॉडी क्या है, गर्म रहती है। एनिमल्स लाइक याक, मस्क ऑक्सन एंड पोलर बियर लिव इन वेरी कोल्ड एरियाज, दे हैव लॉन्ग हेयर विच कीप्स देम वार्म। एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज इन लिव इन नॉट सो कोल्ड एरियाज, दे हैव शॉर्ट हेयर। तो जो एनिमल्स है याक, मस्क ऑक्सन, पोलर बियर, ये क्या है, ठंडी जगहों पर रहते हैं, इसलिए इनके क्या है, लंबे लंबे बाल होते हैं, जिससे कि ये ठंडी जगहों पर भी गर्म रहते हैं। और कुछ एनिमल्स जैसे कि काओ, बफेलो, ये क्या है, ठंडी जगहों पर नहीं रहते हैं इनके, इसलिए इनके क्या है, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। दीज एनिमल्स ओनली हैव अ स्किन टू कवर देम, इनके ऊपर क्या है, केवल खाल होती है जो इनकी बॉडी को कवर करती है, छोटे छोटे बाल होते हैं, जिससे क्या है, स्किन कैन ब्रीथ ईजिली, जिसमें से क्या है, जो हवा है वो आसानी से जा सकती है। सम एनिमल्स डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनके क्या है, बॉडी पर हेयर नहीं होते। फिश एंड स्नेक्स हैव स्केल्स, जैसे कि मछली और जो सांप है उनके क्या होते हैं, शल्क होते हैं, यानी इनके बाल नहीं होते हैं। यूजुअली एनिमल्स विच हैव एक्सटर्नल ईयर ऑल्सो हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, आमतौर पर जो भी एनिमल्स क्या है, जिनके कान होते हैं बाहरी, उनके क्या है, बॉडी पर हेयर पाए जाते हैं।